खरगोन कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। अनियमितताओं के चलते सनावद में 5 निजी नर्सिंग होम अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मापदंडों पर खरे नहीं उतरने पर जिले में पहली बार बड़ी कार्यवाही की है। नर्सिंग होम अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिलने, नगर पालिका की अनुमति के दस्तावेज नहीं मिलने और अस्पतालों में बेड ज्यादा और स्टाफ और सुविधाएं बेहद कम होने पर ये कार्यवाही की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर CMHO डॉक्टर DS चौहान ने कार्यवाही की है। गौरतलब है कि खरगोन जिले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मनमाना पैसा वसूल कर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न कराने के चलते कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने CMHO को जांच के आदेश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने 4 सदस्य टीम का गठन कर एक सप्ताह तक जिले के 39 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान 15 से 20 निजी अस्पतालों में मानक मापदंडों के अंत अनुरूप नहीं चलते पाए गए थे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जो 5 अस्पताल निरस्त कर रहे हैं और बाकी वो चला से पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उनकी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसमें नाथूराम मोरी है सनावत के और साई हॉस्पिटल, बलराम इंदिरा हॉस्पिटल और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, बाहिती गोजरा हॉस्पिटल, ये 5 अस्पताल है जिनकी हमने पंजीयन निरस्त कर दिए। सनावत के हैं, एक महेश्वर का भी है इसमें, तो इनके पंजीयन निरस्त कर दिए। अब इनको क्या नए सिरे से इनको इनके जितने भी इनके पास बेड की इनकी ऑक्यूपेंसी है अस्पताल की, उस हिसाब से इनका हम नए सिरे से इसको रजिस्ट्रेशन कार्य करेंगे जितनी उनके पास कैपेसिटी है। सर आगे भी और अन्य अस्पताल, हाँ हमारे अभी हमने हमारे 5 अस्पताल और हमने उसमें जो कमियाँ पाई थी उनकी भी हम बल्कि उनके ऊपर ये हमारे जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल है उनमें उनमें जो पूर्ति वो थी उनकी रिक्वायरमेंट वो उसके जो उनको पंजीयन किया था तो उसके बेड जो है वो बहुत उनके जो जितने जो टारगेट थे उससे ज़्यादा थे और HR जो उसकी रहती है जो स्टाफ भी उनका बहुत कम था, इसलिए हमने 5 अस्पतालों का निरीक्षण किया और उसकी उसकी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। किस प्रकार की जांच हो रही सर अभी? उसमें उसमें क्या है उनको उनके जो बेड जो थे उनके उनके जिसकी ऑक्यूपेंसी बेड ऑक्यूपेंसी थी वो उनकी ज़्यादा थी, उनका पास स्टाफ जो है वो कम था, बाकी उनके पास फायर NOC और जो 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 नगर पालिका के जो वो रहते सर्टिफिकेट वो उनके पास नहीं थे, इसलिए उनके हमने 5 लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। सर और भी को हाँ अभी अभी 5 अस्पताल की और हमको हमने जांच में हमने देखा है कि उसमें भी कमियां हैं उनकी भी हमने उनका उनको हमने जो नोटिस दिए थे उस नोटिस के अनुसार उनके पास भी कमियां पाई गई, उनको भी हम अभी क्योंकि कार्रवाई कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।